22 मई 2020 जब देश में मनाई जाएगी शनि जयंती। किन राशियों पर भारी रहेगी शनि जयंती? किन राशियों को बहुत कुछ देकर जाएगी शनि जयंती? कैसे करें न्यायाधीश शनि देव को प्रसन्न? बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम लेके आए हैं शनि जयंती विशेषांक, यानी कि शनि जयंती के बारे में। जैसे सभी को पता है कि शनि देव के नाम से ही लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं हमें शनि की साढ़ाशती तो नहीं शुरू हो गई है, या हमें शनि की ढैया तो नहीं शुरू हो गई है, या उनको अगर शुरू हो जाती है तो मन में एक दहशत बैठ जाती है, या किसी ने कह दिया कि आपको तो शनि की महादशा शुरू होने वाली है, शनि की अंतरदशा आने वाली है, या शनि आपकी कुंडली में अशुभ भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और 6-8-12 भाव में बैठे हैं, तो लोगों के मन में एक भय सा बन जाता है, डर सा बन जाता है। तो दर्शकों, आज हम ये आपका भय दूर करने का प्रयास करेंगे और शनि जयंती पर कैसे शनिदेव को प्रसन्न करें ये भी आपको बताएंगे, और वो कौन से दिन शनि जयंती पड़ने जा रही है इसके बारे में भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो दर्शकों, शनि जयंती जो है कैसे पता करें कि कब पड़ती है? देखिए, प्रत्येक वर्ष की ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस जब भी होती है, यानी कि ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष की अमावस के दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है, शनि दिवस के रूप में, और ये इस बार 22 मई को पड़ रही है। वैसे तो ये जो तिथि के हिसाब से मुहूर्त देखें तो 21 तारीख की रात को 9:35 से ये मुहूर्त शुरू हो जाएगा शनि जयंती का पूजा पाठ के लिए, और 22 तारीख की रात को 11 बजे तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप शनिदेव की आराधना करते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, तो विशेष लाभ मिलेगा। जिन लोगों को शनि की साढ़ाशती चल रही है, शनि की ढैया है, या उनको शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और शनि अशुभ भाव के कारक हैं, उनको खासकर शनि देव को प्रसन्न जरूर करना चाहिए, शनि देव की आराधना करनी चाहिए। तो दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय कौन कौन सी राशि प्रभावित है शनि के द्वारा। देखिए, इस समय मेष राशि के ऊपर शनि का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। मेष राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव बहुत शुभ रहेगा, शनि देव बहुत कुछ देने वाले हैं। अब आप कहेंगे मेष राशि है और शत्रु है, लेकिन देखिए कारक भाव में दशम भाव में शनि बैठे हैं स्वराशि के, तो मेष राशि वालों को तो बहुत कुछ देंगे, लेकिन फिर भी आप शनि देव की आराधना करेंगे, विशेष लाभ मिलेगा आपको। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्येश बनते हैं और भी ज्यादा शुभ है आपके लिए, तो शनि बहुत ही मंगलमय हो जाते हैं, बहुत लाभ देते हैं वृषभ वालों को, सभी कार्य पूर्ण कर देते हैं, भाग्योदय कर देते हैं शनि देव। और मिथुन राशि, देखिए इनको इस समय शनि की ढैया चल रही है, हालांकि ये अष्टम भाव की ढैया शनि स्वराशि के, उतने ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी धन निवेश से बचना चाहिए, किसी का गलत कभी ना करें, झूठ ना बोलें, बड़ों का अपमान ना करें, हमेशा न्याय करें, सच बोले तो शनि देव कोई कष्ट नहीं देंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के शनि जो है सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो इनके लिए भी बहुत अच्छा ये योग रहेगा, इनके ऊपर कोई ढैया साढ़ाशती नहीं है, शनि देव इनको बहुत कुछ देने वाले आने वाले समय में, शनि बहुत शुभ रहेंगे आपके लिए। सिंह राशि वालों के छठेश और सप्तमेश है, छठे भाव में शनि विराजमान है, तो परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे, यात्राओं के योग बनाएंगे आने वाले समय में, तो आपको भी इस समय कोई ढैया या साढ़ाशती नहीं है। इसी तरह कन्या राशि वालों के भी पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं, आपको भी कोई साढ़ाशती और ढैया नहीं है, आते हैं शनि की उच्च राशि जहां शनि बहुत खुश रहते हैं, तुला राशि। कहते हैं ना कि आप अगर किसी ऐसे मित्र के घर जाएं जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो वहां जाकर आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है,
बहुत अच्छी बातें होती हैं और वो मित्र जो है आपका बड़े अच्छे तरीके से आदर सत्कार करता है, आपको खूब खिलाता पिलाता है, बड़ा सम्मान करता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है वो। तो आपका मन करता है मैं बार बार वहां जाऊं, अपने मित्र से मिलूं या उसको अपने घर में बुलाऊं। तो ऐसे ही शनिदेव जब जब तुला राशि में जाते हैं तो वहां उच्च के होते बहुत खुश हो जाते हैं, उनके मित्र की राशि है शुक्र की और तुला राशि में इस समय शनि की ढैया भी है, तो चतुर्थ ढैया है। चिंता ना कीजिए, शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे। लापरवाही आपने करी तो नुकसान होगा, अन्यथा लाभ ही लाभ है। सुख साधनों में वृद्धि होगी, 2.5 साल का पीरियड रहेगा, बहुत कुछ शनिदेव आपको यहाँ देंगे, घबराइए मत। आते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर, अभी 3:30 के ऊपर समाप्त हुई है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि इस समय पराक्रम भाव में बैठे, बहुत अच्छा लाभ देंगे। ईमानदारी से चलिएगा तो कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पिताजी का आशीर्वाद लें, धर्म कर्म में रुचि बनाए रखेंगे तो शनिदेव आपको मालामाल करेंगे। आते हैं धनुराशि पर, धनुराशि को अभी शनिदेव ने छोड़ा है 24 जनवरी 2020 को, अब उनके द्वितीय भाव में आ गए हैं, धन स्थान में धन देंगे। जाते जाते शनि कहते हैं बहुत लाभ दे के जाते हैं, आपको शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं और सुबह तिल का दिया जलाएं, विशेष लाभ मिलेगा आपको। घर पे ही गजेंद्र स्त्रोत पढ़ें, शनि के मंत्रों का जाप करें। मकर राशि, शनि का खुद का घर है, कोई व्यक्ति अपने घर पर आता है तो क्या वो इतना बहुत खुश रहता है। कहते हैं ना कि सारी दुनिया घूम लीजिए, अंत में अपना घर ही सबसे अच्छा लगता है। तो शनिदेव तो यहाँ आके बहुत प्रसन्न है मकर राशि वालों के लिए, किस्मत खोलेंगे समय पे, 2.5 साल यही विराजमान है। शनिदेव की आराधना कीजिए, सच्चाई से चलिए, शनि न्यायाधीश है, गलत काम करेंगे तो दंड मिल जाएगा, अगर ईमानदारी से चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए इस समय आप, तो शनिदेव आपको यहाँ बहुत अच्छा करने वाले हैं। शनि चालीसा का पाठ करें, ओम शम शनेश्वराय नमः पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें तो कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों आपके शनि स्वराशि के हालांकि 12वें घर में बैठे हैं। देखिए 12वें घर में शनि स्वराशि के होंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, पर खर्च रहेगा और शुभ कार्यों में खर्च रहेगा। 2.5 साल के दौरान हो सकता है कि आपके घर परिवार में आप घर ले लें, बच्चों का विवाह हो जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ खर्च हो, कुछ ऐसा संकेत लिख रहा है, शुभ कार्यों में खर्च होगा, घबराइए मत। शनिवार के दिन शाम के समय शनि मूर्ति पर 5 बादाम चढ़ा दीजिए अगर संभव है, ये नहीं तो घर पे भी आप रख दीजिए तो विशेष लाभ मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, मजदूर जो हैं उनको विशेषकर उनका आशीर्वाद लेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलेगा, शनिदेव कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, और मीन राशि वालों लाभ स्थान में शनि है और क्या चाहिए, लाभ ही लाभ आपको मिलेगा और कुल मिलाकर भाग्योन्नति के समय बनेंगे, भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगी, सबका सहयोग मिलेगा, संतान की भी तरक्की होगी। तो शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान है, आपके सभी कार्य बना देंगे शनिदेव, तो आपको भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से चलेंगे तो और भी शुभ फल मिलेगा। सच बोलिए सदा, आप बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक राशि है मीन राशि, वैसे भी सत्यता के मार्ग पर चलती है, धर्म कर्म में ज्यादा रुचि रहती है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे तो विशेष राहत मिलेगी। तो दर्शकों हमने आपको ये बता ही दिया कि शनि जयंती पर किन राशियों को शनि की 6.5 है, किन राशि को ढैया है। अब अगर किसी व्यक्ति को शनि की दशा चल रही है और शनि किसी ने बैठा बोला कि अष्टम भाव में छठे में बैठ गया, द्वादश में चला गया, नीच का कुंडली में होकर शनि बैठा है उसकी दशा आ गई, तो क्या करें। शनि जयंती पर सबसे पहले तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, जैसे इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है तो आप लोग बाहर तो नहीं जा सकते हैं, मंदिर इत्यादि में जाना इस समय मंदिर बंद है, तो आप घर से ही शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। सुबह उठकर नहा धोकर शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, घी का दिया जलाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए शनिवार के दिन। 22 तारीख को शनि जयंती पड़ रही है और उस दिन 22 तारीख के दिन जो शुक्रवार है इस बार, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शनिदेव के मंत्र का जाप करें ओम शम शनिश्चराय नमः, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति को, चाहे वो आपकी मेड हो या नीचे आपके सोसाइटी में गार्ड हो या पड़ोस में कोई भी व्यक्ति जो जरूरतमंद हो, उसको सामान दीजिए, खाना खिलाइए, कपड़े
वस्त्र इत्यादि देने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनि का दान जैसे लोहा है, कोयला है, कैंची है, काला कपड़ा है, उड़द की दाल, खासकर काले उड़द, काले तिल, इसका दान करने से उड़द की दाल की खिचड़ी खुद भी खाइए इस दिन और लोगों को भी खिलाइए, तो विशेष लाभ मिलेगा आपको। इस दिन व्रत करने से आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और शनिदेव की जो कृपा है वो हमेशा आपके ऊपर बरसेगी। किसी भी तरीके से अगर आपको धन हानि हो रही है या मानसिक तनाव रहता है या किसी ने कहा है कि आपके ऊपर ऊपरी साये का असर है, आपको घबराहट बहुत रहती है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है शनि की ढैया अड़सठ के कारण, तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरुआत कर दें शनिवार के दिन से तो विशेष लाभ मिलेगा। शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय का नमः का भी जाप करें तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। और क्या करना चाहिए, देखिए शनि की ढैया साढ़े सती या अंतरदशा महादशा में डरना नहीं चाहिए, सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से चलना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को वस्त्र दें, गरीबों को खाना खिलाएं, कभी बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, गरीब की बद्दुआ ना लें क्योंकि शनिदेव जो है गरीबों के दाता माने जाते हैं और गरीबों को सताया तो आपको कष्ट तुरंत आ जाएगा आपके ऊपर। अच्छे कर्म करें दर्शकों, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो शनि की दशा आए, ढैया आए, अंतरदशा आए, कभी भी आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, शनिदेव आपको अच्छा ही अच्छा करेंगे। बुरे कर्म पिछले समय पर करेंगे तो शनि की दशा आती है, ढैया आती है, साढ़े साथी आती, उनका परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की जो राशि होती है कुंभ राशि और मकर राशि, दो शनि की राशि होती है। मेष राशि वालों को शनि थोड़ा सा अशुभ परिणाम देते हैं क्योंकि यहाँ नीच के होते हैं और तुला राशि वालों को शुभ परिणाम ज्यादा मिलता है। और शनि के जो मित्र बताए गए हैं, शनि के मित्र हैं शुक्र हैं, बुध हैं और राहु हैं, इनके साथ शनिदेव विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और इन राशियों में बैठकर भी बहुत लाभकारी स्थिति बना लेते हैं शनिदेव। अगर आपको अपना शनि अच्छा करना है, भले ही आपकी कुंडली में शनि नीच के हो, मैं कह रहा हूं कि आपको शनिदेव कुछ नहीं सताएंगे, ईमानदारी से चलिए, सच्चाई का पालन कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करें, गरीबों को पसंद करें, शनि के मंत्र का जाप करें, तो देखेंगे आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे और ये शनि जयंती जो है ये आपके लिए मंगलमय साबित होगी, बहुत लाभकारी साबित होगी। इस दिन शनि देव को मनाना आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति दिला देगा। तो दर्शकों हमने आपको जानकारी दी शनि जयंती के बारे में कि शनि जयंती कब है, क्या इसका मुहूर्त है, कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय हैं आपके लिए। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम उसके ऊपर भी प्रोग्राम जरूर करेंगे। दर्शकों आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।